तो बस मुझे यही बोलना था कि जो भी मतलब सोशल मीडिया पे चल रहा है कि बंगालीज लोग काला जादू करते, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाय बोल दो। हाय हाय हाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल योर बॉन्ग लेडी। आई होप आप सब अच्छी हो और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ करीबन एक हफ्ते बाद। मुझे याद है मैंने लास्ट संडे शायद ब्लॉग शूट किया था, उसे मैंने मंडे कैसे कैसे अपलोड किया, क्योंकि और बीच में तो मैं बिल्कुल ब्लॉग नहीं कर पाई हूँ बिकॉज ऑफ टाइम क्रंचिंग। मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला क्योंकि मेरा जो लाइफ ऑफ एन इंडियन लेडी का जो कुकिंग वाला चैनल है उसमें मैं हफ्ते में दो या तीन बार मैं करती हूँ, बट इसमें चलो नया चैनल है तो मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है दोनों मैनेज करने में, बट कर लूँगी। सो आज है सैटरडे और अभी बज रहे हैं शाम के 5 बजे और मैं छत पे हूँ अभी, क्योंकि अभी अभी जस्ट मेरी बेटी सोई है और हम लोग अभी 1 RK में रहते हैं, तो अगर मैं बात करूँगी तो वो जग जाएगी। और अभी जाके मैं जस्ट फ्री हुई हूँ तो मैंने सोचा ये मौका मिस नहीं करना चाहिए। वैसे तो हम बंगालीज का आदत है कि दोपहर को सो जाना, बट मैं नहीं सोती हूँ। वैसे तो मैं कुछ अजीब लग रही हूँ, मेरे आईब्रोज एकदम शिनचैन जैसे लग रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली आज मैं बाहर निकली थी आईब्रोज करवाने। मैं जाती नहीं हूँ आईब्रोज करवाना, शायद एक दिन मैंने जब लॉकडाउन खुला था वो टाइम पे मैं बहुत मतलब रिक्स में एकदम प्रोटेक्शन के साथ गई थी, मतलब दुकान खुला पहला कस्टमर मैं थी, तो वैसे मैं करवाई थी। तो अभी मैं नहीं करवा, इतना दिन से मैं अवॉइड कर रही थी क्योंकि यू नो कोरोना का टाइम है और कोलकाता में हालत दिन ब दिन बिगड़ रहा है, तो इसीलिए मैं नहीं करवा रही, तो इसीलिए मैं आईब्रोज अभी नहीं करवा रही हूँ। बट मैं आज गई थी, बट आज जैसे ही मैं बाहर निकली मुझे पता चला कि आज हमारे वेस्ट बंगाल में बाई वीकली वाला लॉकडाउन है। वैसे जो वेस्ट बंगाल पे नहीं है मैं बता दूँ, यहाँ पे बाई वीकली हफ्ते में यानी हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन चलता है। उसका क्या फ़ायदा है मुझे नहीं पता, मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। तो आज मैं बाहर निकली तो और चेंजेस होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक लीज निकला था फिर वो चेंज हो गया। तो आज जैसे ही मैं बाहर निकली मैं देखी कोई नहीं है, बस पुलिस है, तो मैं थोड़ा डर गई थी पर मुझे कुछ बोला नहीं। मैं चुपचाप अपना देख के आई कि कोई खुला है कि नहीं कुछ, मैंने देखा सब बंद है तो मैं वापस आ गई। तो यही ऐसे ही चल रहा है अभी ज़िंदगी। और मेरा आईब्रोज बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मुझे करवाना पड़ेगा वरना और बढ़ जाएंगे। वैसे यही है और बढ़ेगा नहीं मेरा, क्योंकि ऐसा ही है मेरा नेचुरली। सो मैं कल कैसे वैसे करवा लूँगी। तो आजकल ना मुझे एक न्यूज़ सुनने को दे रहा है, जैसे ये रिया चक्रवर्ती वाला केस, तो उसमें क्या हो रहा है ना, बंगालीज गर्ल्स के बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा है। मैंने कभी कुछ कमेंट आप मेरे फेसबुक पे भी जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने लिंक दे दूंगी। तो मैंने आज तक कभी कोई कमेंट नहीं मारा, कुछ भी नहीं मारा, हालांकि सुशांत सिंह के साथ जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, डेफिनेटली बहुत बुरा हुआ है और सच सामने आना चाहिए। बट कुछ कुछ लोग हैं जो रिलीजन को इस मैटर में भी रिलीजन को लेके आ रहे हैं, सेइंग डैट कि बंगालीज गर्ल आर डू ब्लैक मैजिक। भाई मैं तो वेस्ट बंगाल में अभी मेरा 26 या 27 साल होगा, 21 साल तक मैं वेस्ट बंगाल में थी, मेरे को कभी कुछ मतलब मैंने कभी देखा भी नहीं एंड मैंने आजू बाजू भी कभी देखा नहीं है। मेरा कोलकाता प्रॉपर कोलकाता में है, मतलब मैं बहुत कोलकाता बहुत सारी जगह पे रह चुकी हूँ तो मैंने कभी देखा नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो 2014 में मैंने अपना डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है कोलकाता से। तो आफ्टर 2014 मैं मुंबई गई थी फॉर फर्दर स्टडी एंड जॉब। तो वहाँ पे मैं मतलब जाते ही मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस किया है, जैसे ही लोगों को मेरा बंगाली एक्सेंट ऑब्वियसली अभी उतना नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा था, तो जैसे एक लोग बोलते थे ना अरे तुम बंगाली हो, अरे ज़रूर काला जादू करती होगी, मैं मतलब हंसी से उड़ा देती थी। बट ये चीज़ सच में बहुत एक सीरियस मतलब ऐसे क्यों, मतलब ऐसे सोच क्यों है लोगों की, मतलब मैक्सिमम मैंने लोगों के मतलब इंट्रोडक्शन होता है जैसे मालूम पड़ता कि बंगाली, अरे हाँ तुम लोग तो काला जादू करती हो, तुमको कुछ मालूम है क्या? मैं बोलती नहीं भाई मुझे तो नहीं मालूम।
ये जो दिमाग में जो लोगों के है ना कि बंगालीज लोग काला जादू है, काला जादू करते हैं, एंड अभी जो जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती को लेके, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग. ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो बंगाल में नहीं रहे हो, बहुत सारे लोग हैं जो बंगाल में कभी शायद कदम भी नहीं रखे, वो लोग भी कमेंट कर रहे हैं, भाई आप लोगों को क्या मालूम बंगाल में क्या चलता है क्या नहीं चलता है. कभी आके रहो तब ना मालूम पड़ेगा कि बंगालीज लोग कैसे हैं. बिना रहे बिना जाने आप कैसे कमेंट कर सकते हो. वैसे तो जो रिया चक्रवर्ती है वो मैंने जहाँ तक न्यूज़ में सुना है, पर्सनली तो जानती नहीं हूँ, वो दिल्ली और बेंगलोर में पड़ी बड़ी है. वो बंगाल में शायद कभी आई नहीं, शायद बात भी नहीं करने आता, और उसको देख के तो बंगाली लगता ही नहीं है, बस सरनेम है चक्रवर्ती. अभी देखो चक्रवर्ती एक कॉमन ऐसा टाइटल है जिसमें आप बिहारी में भी मिल जाएगा चक्रवर्ती, फिर उड़िया में बहुत लोगों का मैंने सुना है, उड़िया या क्या मुझे नहीं मालूम, बट चक्रवर्ती सिर्फ बंगालीज का नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का चक्रवर्ती है. चलो मान भी लिया वो बंगाली है, बट उसका जो कल्चर है उसमें तो अडप्ट, मतलब वो तो कभी वेस्ट बंगाल शायद आई नहीं होगी. उसका जो गेटअप है, बात करने का तरीका है, बंगाली से बिल्कुल मैच नहीं करता. आप कोई बंगाली लड़की जैसे रानी मुखर्जी ले लो, सुष्मिता सेन ले लो, वो लोग बंगाली है, उनको देख के थोड़ा बहुत लगता भी है. जैसे रानी मुखर्जी तो मतलब लगता ही है बंगाली है, उनके अंदर एक मतलब एक है बंगाली वाला कोई बात. रिया चक्रवर्ती में इससे कोई बात नहीं है. एंड बंगाली छोड़ो, बंगाली बिहारी का बात ही नहीं हो रहा है. आप इस केस में कैसे कोई रिलीजन को ला सकते हो. सी, मैं बंगाली के बारे में बोल रही हूँ, मतलब बहुत लोग बोल सकते हैं कि यू आर सपोर्टिंग रिया चक्रवर्ती. नो, आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट रिया चक्रवर्ती, बट आई एम टॉकिंग कि आप बंगाली के बारे में कमेंट तो मत मारो, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है इसी चीज़ को लेके. मैंने शादी किया है एक यूपी वाले से, तो फर्स्ट टाइम, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है. वैसे तो मैंने बहुत सारे दोस्त लोग जो शुरू शुरू में मिलते हैं, मैंने आपको बोला कि वो लोग पूछते रहते कि अरे तुमको काला जादू आता है क्या, तो ऑब्वियसली मैं हंस के उड़ा देती थी. बट एक सीरियस बात हुई थी जब मेरे पति ने अपने घर वालों से इंट्रोडक्शन करवाया. वो लोग यूपी वाले हैं बट मुंबई में रहते हैं, तो उन लोगों पे मतलब मेरे सामने तो कुछ नहीं बोले, पर मेरे से बात की, अच्छे से सब कुछ किए, पर जैसे ही मैंने बोला कि आई एम बंगाली, तो मुझे तो कुछ नहीं बोले, बट मेरे पति को बोला गया था कि पता नहीं बंगाली लड़कियां कैसी होती है, ये लोग काला जादू कर लेते हैं, ये लोग वश में कर लेते हैं. और मेरा सुन के दिमाग खराब हो गया था. वो टाइम में मुझे बहुत बुरा लगा था, बहुत बोले तो बहुत बुरा लगा था, क्योंकि आप जैसे जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, एक रिलीजन के साथ मतलब आप कैसे किसी को मतलब ऐसे सोच ला सकते हो. तो वैसे भी वो तो बहुत पुरानी बात है, अभी 3-3.5 होने वाला है शादी को, और अभी सब कुछ नॉर्मल है. वो लोग जान चुके हैं क्योंकि मेरे साथ रह चुके हैं यहाँ पे, वो कोलकाता में आए हैं, मेरे घर वालों से मिले, कल्चर देखे, तो अभी तो सब सॉर्ट एंड क्लियर है. बट इमेजिन, मतलब जो बंगालीज के, मतलब जो बंगाल में कभी रहा नहीं है, वो लोग कैसे कैसे इमेजिन थॉट कर लेते हैं बंगालीज के बारे में. और जहाँ तक सवाल है ये रिया चक्रवर्ती का केस, तो आप सोचो ना, कुछ साल पहले आई थिंक 2015 या 16 में या 17, मुझे याद नहीं है डेट, पर एक प्रत्युषा बैनर्जी बोल के जो एक टीवी सीरियल एक्ट्रेस थी, वो भी बंगाली थी, एंड उसका कोई बिहारी बॉयफ्रेंड था. तब तो किसी ने वो नहीं बोला कि भाई बिहारी बॉयफ्रेंड, कोई रिलीजन नहीं आया था. तो इस मैटर में क्यों आप लोग बंगालीज को इंक्लूड कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है. सी, इट्स वेरी क्लियर, ऑल बंगालीज आर नॉट लाइक रिया चक्रवर्ती. रिया चक्रवर्ती पता नहीं गिल्ट है या नहीं है, कुछ भी हो, सच तो सामने आ ही जाएगा आज या कल. बट यस, बंगालीज को इंक्लूड मत कीजिए इस तरह, क्योंकि बंगालीज ऑब्वियसली उसमें बंगाली बिहारी कोई भी खराब नहीं होता है. एक्चुअली इंसान कैसे होता है ना, आप कैसे, किस कल्चर में आप बड़े हो रहे हो, आप किस माहौल से आए हो, वो डिपेंड करता है. आप चाहे बंगाली हो, बिहारी हो, ये मैटर ही नहीं करता है. आप कोई भी रिलीजन की हो सकते हो. मेन ये बात होती है कि आप कहाँ से आए हो, आपका ब्रॉटअप, आप किस एनवायरमेंट पे आप बड़े हुए हो, आपका सोच कैसी है, वही सब इम्पोर्टेंट करता है. तो ये बंगालीज का बीच में लाना, आई डोंट थिंक ये सही बात है. तो बस मुझे यही बोलना था कि जो भी मतलब सोशल मीडिया पे चल रहा है,
कि बंगालीज लोग काला जादू करते, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं फेसबुक ही अभी खुला बंद कर दी हुई, क्या सब बंगालीज के बारे में बोलते रहते हैं। ऑब्वियसली अभी मेरा टाइटल या कास्ट चेंज हो गया, बट एक्चुअल में तो मैं बंगाल में ब्रॉट अप हूँ ना, तो मुझे पता है हाउ स्वीट वी आर, मतलब कैसे कोई बोल सकता है ऐसा। बट आई होप ये जो सुशांत सिंह का जो केस चल रहा है जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए। जो भी मतलब कल्प्रिट है, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो या कोई और हो, सामने आ जाए, क्योंकि ये मैटर अभी ऑलमोस्ट 2 मंथ होने वाला है तो अच्छा नहीं लगता है। या 14 अगस्त को 2 मंथ हो जाएगा, तो मतलब बहुत ज़्यादा ये केस कर रहा, पता नहीं कुछ तो न्यूज़ मतलब पुलिस अभी सब बोल रहे हैं कि पुलिस वाले मुंबई पुलिस को, अभी मुझे मालूम नहीं है क्या है क्या नहीं है, न्यूज़ में कुछ और बोल रहे हैं, रियलिटी में क्या है। सो यहाँ बैठ के कोई कुछ नहीं बोल सकता है। सोशल मीडिया पे हम सिर्फ बोल सकते हैं कि वी वांट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता। तो देखा जाएगा, जो भी है बी पॉजिटिव, सच सामने आना चाहिए, यही हम लोग सिर्फ प्रे कर सकते हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। मुझे तो ये मतलब दुख होता है, पर एक जवान लड़का, उसका क्या हाल होगा, उनके घर वालों का क्या हाल होगा, तो यही थोड़ा मतलब सोच के दुख लगता है। बट अभी जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकता कोई, बट आई होप जल्दी से जल्दी ये केस सॉल्व हो जाए और जो भी गिल्ट है वो जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। सो चलिए अभी ये टॉपिक छोड़ते हैं। तो एक्चुअली आपको, आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, तो वहाँ पे वीडियो करते करते रात हो गई थी एंड तकरीबन मैंने ब्लॉग ख़त्म किया था कुछ 9:30 या 10 बजे। लास्ट का जो 2-3 मिनट का वीडियो था वो लाइट के कारण बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो मतलब क्या हुआ था ना, मतलब हम लोग 1RK में रहते हैं, तो अभी 1RK में क्या हो रहा है ना, इस बिल्डिंग में बहुत सारे रूम्स हैं एक्चुअली, तो हम लोग 1RK में रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लाइट तो एक ही रखता है, 10 लाइट तो 1RK पे रख नहीं सकते, तो उसमें एक ही लाइट आता है और उसी लाइट में सब कुछ होता है और ज़रूरत भी नहीं है नॉर्मली तो। बट जब आप शूट करते हो ना तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहाँ पे एक लाइट से मतलब पूरा, आपने देखा होगा लास्ट वाला वीडियो पूरा काला काला आया है, मतलब पिक्चर क्लियर नहीं आया था। तो मुझे लगा कि शायद रात में वीडियो करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने सोचा रात में नहीं तो मैं देर से ही शूट चालू करती, बट मैंने सोचा कि नहीं अभी चालू कर देती हूँ, पर रात को खींच पाऊँगी या नहीं, वीडियोज़ कैसे आएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी चालू कर देते हैं। वैसे मेरे यहाँ से रात को छत में घूमना मुझे अच्छा लगता है, आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरे यहाँ से छत कैसे मतलब मेरे छत से एनवायरनमेंट सिनेरियो कैसा लगता है। ये देखिए अभी सनसेट होने वाला है, अभी यहाँ पे मेरे आजू बाजू सारा कंस्ट्रक्शन पे जा रहा है, ये देखिए ये भी एक कंस्ट्रक्शन पे जा रहा है। तो मेरे यहाँ से आपको आवाज़ आ रही है चिरमिट चिरमी की, बर्ड्स की एक्चुअली है, क्योंकि उनको मेरा जो फ्लैट का जो ओनर है उनको बर्ड्स बहुत अच्छी लगती है, तो छत पे बहुत तरह का बर्ड्स है, चिकन है, तो वही उसी का आवाज़ आता है एक्चुअली। सो अभी प्रॉब्लम एक हो रही है कि मतलब पहले शुरू में एक्चुअली प्रॉब्लम होती थी कि हम लोग एकदम मतलब टॉप फ्लोर में रहते, तो उसमें क्या होता है ना कि मतलब मुर्गी या फिर पंछी का जब भी सुबह सुबह आवाज़ होता था तो मैं जाग जाती तो बहुत परेशान, बट अभी आदत हो चुकी है। अभी लॉकडाउन के टाइम पे पता है क्या हो रहा है, हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं एंड हम लोग, आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं मतलब घर से ही काम कर रही हूँ, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो इसमें पता है क्या हो रहा है, आपका प्रेशर बढ़ रहा है आपको। मेरा 2:30 बजे वैसे तो काम ख़त्म हो जाता है, बट फिर भी मतलब क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है तो मतलब टाइम इतना ज़्यादा चला जाता है, कभी कभार काम करते करते 6 बज जाते हैं, कभी कभार 7 बज जाते हैं, तो प्रेशर और बढ़ गया। और जब ऑफिस जाते थे तो उसमें क्या होता था ना कि एक टाइम होता था, तो उसी टाइम के अंदर आपको मतलब कंप्लीट करके जाना पड़ता था, तो अभी थोड़ा प्रेशर और बढ़ गया है एंड बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, बहुत मतलब बहुत दिन हो गए एक्चुअली, इट्स ऑलमोस्ट 4 मंथ, तो वही थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि बाहर नहीं जा पा रही, किसी से मिल नहीं पा रही हूँ, इम्पोर्टेंट काम नहीं कर पा रही हूँ। और अभी फिलहाल नेक्स्ट वीक जो है ना वो मेरी बेटी का बर्थडे है, 14th of August, तो ये बेटी का, मेरी बेटी का 2nd बर्थडे है,
तो फर्स्ट बर्थडे में हम लोग ने बारबेक्यू नेशन बुक किया था, फुल फैमिली, मेरे मॉम डैड, मेरी बहन, मेरे पति और वो, तो वहीं पे केक कटिंग वगैरह सब कुछ किया था। तो उसमें मतलब हम लोगों ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया था, बट इस बार आई डोंट थिंक कोई आ पाएगा बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। हमारे वेस्ट बंगाल में वीकली लॉकडाउन है, बाई वीकली लॉकडाउन है, यानी हफ्ते में दो दिन। आई डोंट थिंक इसमें कोई फर्क मुझे समझ नहीं आ रहा, ज़रूर कोई लॉजिक होगा जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। गवर्नमेंट ने किया होगा तो अच्छा ही किया होगा। तो अभी घर में ही करना पड़ेगा जो करना है। केक भी बाहर से नहीं मंगा सकते, तो केक घर पे ही बनाऊंगी। और सोचा है कि थोड़ा मटन बनाऊंगी, राइस बनाऊंगी। हम लोग के बर्थडे में पायस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट स्टफ। पायस क्या होता है ना, बंगाली में बोलते हैं इसको, चावल और दूध और चीनी, उसके बाद केसर, गुड़ तो या बताशा, तो इससे पायस बनता है। मेरी मॉम बहुत टेस्टी बनाती है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया उतना, बट मुझे बनाना पड़ेगा। पायस बनाऊंगी, उसके बाद मटन चावल, थोड़ा चिकन, तो यही सब मैं जो भी मेन्यू, मैंने अभी तक कुछ फिक्स नहीं किया, बस सोच के रखा कि क्या क्या बनाना है। तो अभी एक दिन या दो दिन पहले फिक्स कर लेंगे मेन्यू। और उसी दिन मैंने छुट्टी भी लिया है, तो उस दिन सारा दिन काम चलेगा, प्लस थोड़ा घर पे ही बनाएंगे, कहीं बाहर तो जाएंगे नहीं, तो थोड़ा घर में थोड़ा डेकोरेशन करने का भी सोचा है, थोड़ा बलून वलून कुछ, उसे भी अच्छा लगेगा। उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है, दो साल की हो गई है ना, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। तो थोड़ा सा देखेंगे उसको एंटरटेनमेंट करने के लिए। अभी पता नहीं कोई आएगा या नहीं आएगा, बट आई डोंट थिंक कोई आएगा क्योंकि लॉकडाउन है, और आना भी बहुत रिस्क है क्योंकि अभी शायद हम लोग थर्ड स्टेज में पहुंच गए, ट्रैवलिंग से फैल रहा है, तो रिस्की भी हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई रिस्क उठाए, तो हम लोग घर में ही सब कुछ करेंगे। फिलहाल मैं अभी नीचे जाती हूँ, शायद सब उठ चुके होंगे, फिर घर में ब्लॉग स्टार्ट करेंगे हम लोग। हे गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 8 बजे, और क्या हुआ, हाय बोल दो। हाय हाय हाय। तो शाम के 8 बज रहे हैं। एक्चुअली मैं छत से जब नीचे आई थी तो तब भी सब सो रहे थे, तो मैंने किसी को उठाया नहीं था, और बाजू में मैं भी सो गई थी। तो जब नींद खुली तब 6:30 बज रहा था, उसके बाद थोड़ा बहुत काम था वो किए, तो अभी 8 बज चुके हैं। और आप देख सकते हो जो चीज मैं बता रही थी कि यहाँ पे थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है। अगर मैं यहाँ से कहीं और मतलब उस तरफ जाऊंगी तो पूरा थोड़ा क्वालिटी खराब हो जाएगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, कल एकदम अर्ली मॉर्निंग से वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगी, कोशिश करूंगी। एंड और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है लाइफ ऑफ एन इंडियन लेडी, उसमें भी सब्सक्राइब कीजिए। वहां पे आपको बहुत सारी इजी एंड मस्त रेसिपी मिलेगी जो कोई भी बना सकता है। एंड इस चैनल को प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब, लाइक सब कीजिए। तो बस आज का वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, बोल दो बाय।